Come on, Ganin. Good morning, everybody. Hi, Dr. Saab. Good morning. Good evening to everybody. We are in morning, but they are in evening. Come on, Ganin Mehta Saab. Welcome. दूर दूर तक नजर जाती है, खारी रेत का खेत नजर आता है और कभी रेत का समंदर दिखाई देता है। कहीं झरने, कहीं नदियां, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, प्रकृति का हर रंग राजस्थान में नजर आता है। कभी रेत का एक सैलाब दिखाई देता है और कभी पानी की एक बूंद को मन तरस जाता है। वीरता, साहस, आध्यात्म, मोहब्बत, धर्म, कला और संस्कृति से परिपूर्ण राजस्थान मुझे बहुत भाता है। राजस्थानी को आप राजस्थान से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके मन से राजस्थान को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना पानी को अपनी हथेली में थामना। सिपनी जयपुर और राजस्थान फाउंडेशन की पहल हम राजस्थानी एक ऐसा कार्यक्रम है जहां मैं अंशु हर्ष आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाऊंगी जो अपने ख्वाबों को खारी रेत के खेत में बोकर आज बहुत दूर निकल गए हैं, अपने सपनों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम राजस्थानी श्रृंखला की इस संकल्पना को साकार करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विजन है कि जो प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास करे जाएं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी व्यक्तित्व इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे, हमसे अपनी बात कहेंगे। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर की साझा संकल्पना है हम राजस्थानी कार्यक्रम, जिसमें वो व्यक्तित्व आप सभी से रूबरू होते हैं जो राजस्थान के मूल रूप से निवासी हैं, लेकिन अपने ख्वाबों को साकार करने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर आज देश के कोने कोने में और विदेशों में बसे हैं। तो स्वागत है आपका आज की इस कड़ी में, जिसमें आज हमारे साथ रूबरू होंगे डॉक्टर विश्वास मेहता जी। डॉक्टर विश्वास मेहता जी चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस श्रृंखला में। नमस्कार। और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ श्री धीरज श्रीवास्तव जी का वेलकम नोट के लिए। श्री धीरज श्रीवास्तव जी, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन। नमस्कार। थैंक यू अंशु जी। सबसे पहले तो आज के इस हम राजस्थानी के सेकंड एपिसोड में केरल के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान की शान डॉक्टर विश्वास मेहता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान फाउंडेशन ने अपने सेकंड अवतार में जो अपने गठन के पश्चात जो ये एक सेकंड इनिंग कही जाए जिसको शुरू करी है, और उसमें हम लोगों ने एक सिंपली जयपुर के साथ मिलकर एक ये नया अध्याय स्टार्ट किया, जिसमें राजस्थान के प्रोमिनेंट लोग जिन्होंने कहीं से उठ करके और कहीं से मेहनत करके और कहाँ कहाँ पहुंचे हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके और बी द From any walk of life, bureaucracy, literature, art, culture, history, तमाम ऐसे fields हैं जहां पर राजस्थान के लोगों ने अपना नाम कमाया। आज हमारे साथ दुनिया भर के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के और ये इन सब का आपने देखा होगा अभी जैसे माइग्रेंट मूवमेंट हुआ,
और उसमें डॉक्टर विश्वास मेहता जी के रहते केरल में जिस तरीके से राजस्थानी समुदाय के लोगों को कहीं पता ही नहीं चला कि कौन आदमी यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से वहां जा रहा है, तो ऐसे कई चीजें हुई। और मैं इस सीरीज में सर का बहुत स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो लाइफ स्केच और बायो प्रोफाइल है उससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन कुछ प्रेरणा लेगी और इस दिशा में आगे और अच्छा हम लोग काम कर सकेंगे, जिसके बारे में और अभी बात होगी। तो आपके और पूरे राजस्थान के लोगों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, ओवर टू यू अंशु जी। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये जो कार्यक्रम है मूल रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्तित्व है उनकी जो जीवन की कहानी है वो प्रेरणा बनकर नई पीढ़ी के सामने रखी जाए। तो इसी कड़ी में मैं शुरू करती हूँ आज के जो सवाल जवाब का सिलसिला है। तो पहला सवाल जो मेरा है डॉक्टर विश्वास मेहता जी आपसे, वो ये कि आप राजस्थान में जन्मे, शुरुआती दौर में चंडीगढ़ में आपने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद आप पिछले 36 सालों से केरल में प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं, तो कला की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से बहुत सारी असमानताएं वहां पर और यहाँ पर है, कैसे आप सामंजस्य बिठा पा रहे हैं और कैसे आपने इस पूरी यात्रा का जो अनुभव है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चिर परिचित यहाँ पे मेरे गुरु जी जिनको मैं कहता हूँ डॉक्टर प्रेम भंडारी, जिनसे कुछ थोड़ा बहुत संगीत सीखने का मुझे मौका मिला, ज्यादा नहीं मिल पाया। मेरे अंतरंग मित्र राकेश साहब यहाँ मौजूद है एंड आई नोटिस लॉट ऑफ अदर राजस्थानी फेसेस। राजस्थान के शायद यही की खासियत है कि चेहरे से ही कुछ पता चल जाता है ये राजस्थान से है। और ये मुझे तब पता चला जब मैं 6 साल करीब राजस्थान में सेंट्रल डिपुटेशन पर आया उदयपुर, और वहाँ मेरी पहली बार मुलाकात हुई डॉक्टर प्रेम भंडारी से जो आज इस कार्यक्रम रूबरू है। मेरा जन्म डूंगरपुर में हुआ, बहुत साधारण परिवार में हुआ मेरे, और घर में जन्म हुआ, हॉस्पिटल में भी नहीं, होम डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद करीब 5 साल की उम्र में मेरे फादर की जब पंजाब यूनिवर्सिटी में जब नौकरी लगी एज ए लेक्चरर, तो हम लोग भी वहाँ शिफ्ट हो गए। बहुत छोटा सा शहर था चंडीगढ़, नया नया बना था उन दिनों, और वहीं मेरी पूरी पढ़ाई हुई, प्राथमिक शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और वहीं से मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिखे। सच में अगर आपको बताऊं तो अगर आज मैं सिविल सर्विसेज में हूं या आज मैं अगर चीफ सेक्रेटरी हूं केरला में, राजस्थान से 3,000 किलोमीटर दूर, तो शायद इसलिए हूं कि ये मैं विश्वास मेहता शायद 3 जनरेशन्स की त्याग का एक परिणाम है कि जो आपके सामने आज बैठा। तो अगर हम व्यक्तित्व ये कहते हैं कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा जो अपना व्यक्तित्व बनता है वो अगर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बनता है तो ऐसा सही नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मेरे फादर के घर में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कच्चा मकान में था और स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ते थे, और उनके फादर की डेथ 2.5 साल की उम्र में हो गई, उनको अपने फादर की शक्ल याद नहीं। मेरी जो दादी माँ थी वो 28 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में इन लोगों ने पढ़ाई करी होगी और किस तरह से वो आगे बढ़ के, और उन्होंने PhD तक करी और बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, ट्यूशन कर करा के उन्होंने किस तरह से हमको पाला पोसा, और उनकी वजह से मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिली, वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उनके शायद 2-3 जनरेशन्स के त्याग का परिणाम है कि मैं इस मुकाम तक आज पहुंच पाया। तो वो संस्कृति, वो जो मेरे को मिली, विरासत में मिली, उसके लिए मैं राजस्थान का ही आभारी हूँ बहुत ज़्यादा। राजस्थान से पहली बार जब यहाँ आया तो मैं सिर्फ मात्र 25 से 26 साल का था। मैं जब पहली बार यहाँ आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी हरियाली कहीं हो सकती है। आपने अभी एक वीडियो दिखाया जिसमें सब जगह ऊंट और रेगिस्तान की पिक्चर्स हैं। डूंगरपुर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे हरियाली नाम की चीज़ ही नहीं है। थोड़ी बहुत बांसवाड़ा में है जहाँ से मेरी पत्नी बिलोंग करती है, इतनी हरियाली, इतना पानी मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ 47 नदियाँ हैं इस छोटे से प्रांत में, छोटे से प्रदेश में 47 नदियाँ हैं, राजस्थान में कितनी है। और आप सोचिए 7 महीने यहाँ बारिश होती है जो कि
नेशनल एवरेज की 3 times ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ा फर्क, और सबसे बड़ा फर्क भाषा का, त्योहारों का, वातावरण का, बोलचाल के अलावा संस्कृति का, उनकी जो जो द्राविडियन कल्चर है वो हमारे राजस्थान कल्चर से बहुत ही अलग है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं खुद के देश में ही विदेशी, क्योंकि सिर्फ इशारे से बात कर पाता मैं बोल ही नहीं पाता था, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था। और पढ़े लिखे होने के बावजूद, एक अच्छी जगह से पढ़ने के बाद, IAS में आने के बाद, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था लोगों से, क्योंकि भाषा बिल्कुल फर्क। दीपावली के दिन दिए जलाए तो लोग इकट्ठे हो गए कि आज क्या हो गया, यहाँ दीपावली फेस्टिवल होता नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि आज मेरे घर के बाहर दिए जलाए जा रहे हैं, यहाँ कोई कार्तिक पूर्णिमा ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, कोई फेस्टिवल है कार्तिक, उस दिन आज के दिन जलाते हैं, विश्व के दिन जलाते हैं। राखी वाला फेस्टिवल नहीं है, होली नहीं है, इनके फेस्टिवल अलग है, हार्वेस्ट से जुड़े हुए हैं, मगर वो ओणम के नाम पे मानते हैं, जिसको हम विशु भी कहते हैं। तो ये कल्चर शॉक शुरू में तो बहुत जबरदस्त था, खासतौर से इसलिए क्योंकि मैं नया था। फिर मैंने एक जो अपनी जिंदगी में एक निर्णय लिया, सबसे बड़ा, जो कि एक यंग एज में बड़ा मुश्किल काम था, वो ये था कि मेरी जन्मभूमि चाहे कुछ भी हो, ये मेरी कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि में मुझे अगर रहना है, काम करना है और लोगों के लिए सेवा करनी है, जो कि सिविल सर्विसेज का बेसिक एसेंस है, तो फिर मुझे ये भाषा सीखनी पड़ेगी, मेरे को इसको आत्मसात करना पड़ेगा, मुझे इस कल्चर को भी आत्मसात करना पड़ेगा और इस जमीन का हिस्सा बन के रहना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मैं यहाँ क्यों आया, इतनी दूर क्यों आया। तो यहाँ आना मेरी ऑप्शन नहीं थी, वो भारत सरकार की ऑप्शन थी। और मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मलयालम भाषा में लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, भाषण दे लेता हूँ, बस गाना गाना नहीं सीखा मैंने मलयालम भाषा में, बाकी सब सीख लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक यात्रा रही। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो जहाँ कर्म भूमि है उसके जो गुण है या उसके जो कल्चर है उसको आत्मसात करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा भी मिलती है और शायद वो शक्तियां भी हमें मिलती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। तो ये बात बहुत ही आपकी खूबसूरत लगी। अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि पढ़ाई की अगर हम बात करें तो पढ़ने का सिलसिला अभी तक भी जारी रहा 2018 तक। 1980 में आपने BSc जियोलॉजी में किया और गुजरते सालों के साथ डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्रिटिकल स्टडीज ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में PhD की आपने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद 2018 में निगोसिएशन फॉर पब्लिक लीडर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आपने कोर्स किया। तो ये जो डिग्रीज लेने का और एक नॉलेज गेन करने का जो सिलसिला आपका पूरे सफर में जारी रहा, इसको नौकरी के साथ आपने कैसे बैलेंस करके रखा? बहुत कठिन काम है। हमारी शायद सर्विस में ये भी होता है कि इस सर्विस में आने के बाद हम लोग शायद ये सोचने लग जाते हैं कि वी आर दी एपिटोम ऑफ ऑल नॉलेज, ऑल इन्फॉर्मेशन, जो कि सही नहीं है। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, डॉक्टर जलवीर राठौड़ को मैं देख रहा हूँ, जो अगर वो ना पढ़े तो वो डॉक्टर मेरे ख्याल से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो MBBS या पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किए होगी बरसों पहले, आज में और उसमें बहुत फर्क आ गया है। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, अगर पढ़ना लिखना नहीं शुरू करेंगे और लर्निंग नहीं रखेंगे अपनी जिंदगी में, ये समझ के कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भले आगे बढ़ जाए, मगर आप बुद्धि पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली आप बिल्कुल अपने आप को ये समझ लीजिए कि अनपढ़ ही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरी जो बेसिक नॉलेज थी वो अर्थ साइंसेस में थी। आई वॉज वर्किंग इन ONGC अर्ली, आई वॉज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। और उसके बाद अच्छी बात ये रही कि मेरे फादर टीचर हैं, तो टीचर से कुछ थोड़ी चीज़ें आपको विरासत में मिलती हैं, हमेशा पढ़ने लिखने का एक वो मिलता है। तो वो एक मेरे ख्याल से मेरे पालन पोषण का ही एक हिस्सा था कि टीचिंग का ही एक लर्निंग का एक्सपीरियंस सब जगह देखा। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी ग्रेजुएशन के बाद जब मैं इसमें आया सर्विस सर्विसेज में पहली बार अटेम्प्ट किया, तो मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने अपने आप को पाया कि शायद मैं किसी हिसाब से पुलिस वाले टेम्परामेंटली शायद मैं पुलिस की नौकरी में फिट नहीं, और उससे निकलने के लिए मैंने दोबारा एग्जाम लिखा। और उस समय मुझे लगा कि देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, मैं एक कुएं में मेंढक की तरह से नहीं रहना चाहता, मुझे ये देखना है कि बाहर ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितने समुद्र हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये देखना जरूरी है। अदरवाइज मैं कुएं में मेंढक की तरह रहा तो मुझे लगेगा यही समुद्र है, यही ब्रह्मांड है। तो उससे बाहर निकलने की एक कोशिश मैंने करी, और इसका पहला प्रयास किया मैंने करीब 90 में मेरी एक पोस्टिंग हुई किसी एक सरकारी कंपनी में, जहां मैं मैनेजर राइटर बना,
और वो वहां तनख्वाहें देने की भी पैसे नहीं थे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रबर मार्केटिंग फेडरेशन, जो सरकारी थी, और करीब 3 लाख उससे रबर फार्मर्स उसके साथ जुड़े हुए थे, और हमारा काम था रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके टायर कंपनीज को बेचना। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरे अलावा सभी लोग मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके पास थी, पर कोई MBA था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई जो है इंजीनियर है, कोई ICW है, और मैं सिर्फ इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर था उसका क्योंकि मेरे पास वो 3 लेटर वर्ड है IAS, उसकी वजह से था। और मेरे को सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि आपको इस डूबती कंपनी को बचाना है, और सरकारी कंपनी में जिस व्यक्ति को साइंस का बैकग्राउंड हो, बिजनेस की कोई नॉलेज हो, उसने कम्युनिटी, अपनी जिंदगी में मैंने रबर नहीं देखा, नेचुरल रबर नहीं देखा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी काली मिर्च नहीं देखी, कार्डमम नहीं देखा, ये सब मेरे को, यहाँ आके कॉफी आपके जो है क्या नाम है चाय, ये सब मैंने यहाँ केरला में आके, राजस्थान के लोग कहाँ देखने मिलता है ये सब, ये सब प्लांटेशन क्रॉप जो है यू सी इट इन प्लेंटी इन केरला। तो मैंने मेरे को ये लगा कि अगर इस कंपनी को मुझे बचाना है तो शायद मुझे वो डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो ये सोच के लेने पड़ेंगे कि अगर ये मेरी खुद की कंपनी होगी तो मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। और करीब 35 करोड़ की उस समय मेरे पास इन्वेंट्री थी जिसमें पर डे इंटरेस्ट वाज 1 लाख रुपी, उसको मैंने लिक्विडेट करना शुरू किया, वो 3 महीने लंबी कहानी चली, लॉसेस अवॉइड करने के लिए किया, और एंड में 3 महीने के बाद मैंने देखा कि 1 करोड़ हमारा उस समय प्रॉफिट हुआ था, ये 1991 की बात बता रहा हूँ। तो बिजनेस का कोई आइडिया नहीं मेरे को, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने किया। तो फिर मेरे दिमाग में पहली बार ये बात आई कि क्यों नहीं मैं MBA ट्राई, और इसके साथ साथ नौकरी के साथ साथ मैंने MBA ट्राई किया। मेरा MBA करने का पर्पज सिर्फ यही था कि जो किताबों में नॉलेज है उसको मैं अपने मैनेजमेंट स्किल्स में इम्बाइब कर सकूं, नौकरी पाने के लिए नहीं था। ज्यादातर लोग MBA इसलिए करते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी चाहिए, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में पहले से ही हूँ, मगर उन स्किल्स को शायद एक्सपीरियंस के साथ बरसों बाद अगर सीखूं, उससे अच्छा ये है कि मैं नॉलेज के थ्रू, किताबों के थ्रू क्यों ना कलेक्ट करूं। और मेरे को आश्चर्य हुआ जान के इन किताबों में सारी नॉलेज अवेलेबल थी जो मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा था। एंड दिस अल्टीमेटली लेड मी इयर्स लेटर फॉर डूइंग माय PhD इन कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, व्हिच लेड मी टू पब्लिश इवन द बुक्स टू शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स। बहुत ही उम्दा जो आपकी शैक्षणिक यात्रा अगर हम कहें तो बहुत ही उम्दा रही, और ये बात बहुत सच है कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी नॉलेज अगर आप किताबी ज्ञान भी साथ लेके प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ करेंगे तो वो आपको जीवन में जरूर फायदा देंगी। ये बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणादायक बात है। अब अगर मैं इस दौर की बात करती हूँ जो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो भारत की बात की जाए तो केरल में ही सबसे पहला मरीज लगभग 1 साल पहले पाया गया था, तो उस दौर को आप किस तरह से आपने देखा और क्या मैनेजमेंट रहे वहां पर उस वक्त सरकार के, और उसके बाद के जो हालात हुए और जो अभी चल रहा है वो सब से आप कैसे सामंजस्य कर पा रहे हैं? 30 जनवरी को पहला केस आया हिंदुस्तान में, वो केरला में आया, वुहान से एक लड़की आई, उस समय चाइना से बाहर स्प्रेड हुआ नहीं था, भारत सरकार को भी कोई अवा नहीं थी, किसी भी राज्य में कोरोना नहीं था, ना यूरोप में गया था ना अमेरिका पहुंचा था, हमारे पास प्रोटोकॉल्स तक नहीं थे कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, इसको कैसे डील करें, किसी को पता ही नहीं था इस वायरस के बारे में क्या है। हमने सिर्फ एक ही चीज की, 2 साल पहले हमने नीपा वायरस को हैंडल किया था, और उस ये सारे इन्फ्लुएंसर्स के स्ट्रेन्स अलग अलग भले हों, उनकी मोर्टेलिटी चाहे अलग अलग हो, या डॉक्टर्स हैं वो सहमत होंगे मेरी बात से, मगर कुछ चीजें उसमें कॉमन है। हम लोगों ने सबसे पहली बात ये की क्वारंटाइन आइसोलेशन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कीप पीपल सेपरेटेड so that they don't pass it on to others, और यही प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया, जबकि भारत सरकार को पता नहीं था कि इसके क्या है, क्या चीज है, कितना इसमें मोर्टेलिटी है, क्या होगा। हमने सिर्फ उसके साथ प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कितने आए सबको आइडेंटिफाई करके सबको आइसोलेट किया, क्वारंटाइन किया, एंड वी केप्ट वॉचिंग देम ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर सिम्टम्स, बिकॉज ट्रीटमेंट तो किसी को पता ही नहीं था, ना किसी को प्रोटोकॉल पता थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 30 जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 मई तक पूरे हिंदुस्तान में केसेस फैल चुके थे, पूरा यूरोप और इटली में महामारी मची हुई थी, अमेरिका में केस फैल गए थे ये 4 महीनों के दौरान, और केरला में केस कितने थे हमारे पास, सिर्फ 11 केसेस, और मौतें कितनी, सिर्फ 2। आप सोचिए जनवरी से लेके, 30 जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हम इस वायरस को कंट्रोल कर पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे पास निपा वायरस का एक्सपीरियंस था, और निपा वायरस में मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, अगर वो फैलता है तो उसमें बहुत लोग मर जाते हैं, फॉर्चुनेटली इसमें हमारे जो कोविड में इतना नहीं है। हमारी परेशानियां तब शुरू हुई जब बॉर्डर्स खुलने शुरू हुए, हमारे 23 लाख लोग जो हैं वो विदेश में हैं, गल्फ में, वो सब वापस आना चाहते थे, पहले लोग केरला वालों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे,
कर्नाटका ने बॉर्डर्स बंद कर दी, जैसे कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है उसने मैंगलोर में एक पेशेंट लेने बंद कर दिया, हमारे पेशेंट्स एम्बुलेंस में मर गए, वो कहते नहीं यहाँ तो वायरस फैल गया क्योंकि सबसे पहला केस हमारे आया था। बाद में क्या हालत हुई, जब हमारे यहाँ कंट्रोल में था तो लोग इधर भागने शुरू हो गए, उनको लगा कि केरला से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं है। एंड ऑल वी डिड वॉज टू वॉच कि इम्पोर्टेड केसेस कितने हैं और कॉन्टैक्ट कितने हैं, उनके थ्रू कितने लोगों को फैलाया है वायरस। पहले हमने नोट किया 90% है, 10% कॉन्टैक्ट है, 10% कॉन्टैक्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सबको आइसोलेट करिए, प्रोटोकॉल बनाया गया, डे टू डे रिव्यू होता था, हमारे चीफ मिनिस्टर रोज रिव्यू करते हैं इसका। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये लोगों को, अब कब तक आप बंद रखेंगे लोगों को, जैसे लॉकडाउन खुला, जैसे बॉर्डर्स खुली, जैसे ही आपने अनलॉक शुरू किया, तो उसके बाद जो है धीरे 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 स्थितियां अपने आप ही बाहर होती नहीं, और आज ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। मगर आज भी आपको मैं बता रहा हूँ कि विश्व के अंदर 98% रिकवरी शायद हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में शायद सिर्फ केरला में थी। आज भी हमारी रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, आज भी हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है कोविड वायरस से मरने वालों की संख्या वो 0.4 से नीचे है, जबकि हिंदुस्तान के एवरेज अभी 1.6% है। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी है, मैं खुद हर रोज रिव्यू करता हूँ, एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जो डिसीजंस होते हैं सीधे सीएम के पास जाते हैं, सीएम हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एड्रेस करते हैं, हर रोज की बात बताते हैं, वो लोग रोज देखते हैं उसको, उनको पता चलता है कि भाई क्या हमको फॉलो करना है, फेस्टिवल में क्या ध्यान रखना है। हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया कि ओणम फेस्टिवल के बाद जब केस हमारे बढ़े कि केरला मॉडल कहाँ गया, क्योंकि उस समय भीलवाड़ा मॉडल और आगरा मॉडल और कई मॉडल्स की बात हो रही थी। मॉडल अगर आप हमें कहें कि कोई मॉडल था ही नहीं, हमारा मॉडल तो सिर्फ इतना था कि कम्युनिटी लेवल तक, पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, गाँव के लेवल तक के हमने अपने वॉलंटियर्स खड़े किए और हर आदमी हमारे रडार पे था और हर आदमी को हम वॉच करते थे कि आप अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको कहाँ जाना है, इतना ही हमने फॉलो किया और उसके साथ साथ हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। तो आज देखिए अब हमारे केसेस अब कम हो रहे हैं और बाकी देश में क्या हो रहा है हालत आप देखिए। दीपावली दशहरे के बाद ही होना ही था, उस समय भी कहा गया ये बात कि आप ध्यान रखिए, मगर क्या हो रहा है अब, ये फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है आपका, आप देखिएगा इसके बाद क्या होगा जी। तो इससे इसमें इसका कोई तरीका नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आती है या जब तक आपका हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड एंड कवर्स दिस वायरस और उनकी बॉडी ही फाइट कर रही है, उसके बाद वायरस को फैलने की जगह नहीं है, मगर वो सिचुएशन कब आएगी कुछ कह नहीं जी। एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियां चलती हैं, नौकरी के प्रेशर्स होते हैं क्योंकि उसे ना सिर्फ अपना जीवन संभालना है बल्कि देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। तो इस तरह से पारिवारिक सहयोग की मैं अगर बात करूं तो जब आप स्टूडेंट थे तब पेरेंट्स का सहयोग आपने जैसा बताया और शादी होने के बाद जो पत्नी का सहयोग होता है वो हमेशा से रहता है, तभी आगे बढ़ सकते हैं और कुछ इस तरह के संघर्षमय वातावरण को कवर कर सकते हैं। तो वो सहयोग आपके जीवन में कैसा है वो हम जानना चाहेंगे। सहयोग ये है कि अब आप मेरे सामने देखिए, यही है मेरे सामने, आपको मिलाता हूँ उनसे, राजस्थान से आई हुई एक संभ्रांत परिवार की लड़की, उसको अगर केरला में आने के बाद जमीन पर सोना पड़े, क्योंकि मेरे पास तो खाट खरीदने के पैसे नहीं थे, गैस कनेक्शन तक नहीं था मेरे पास जब मैं पहली बार आया, फैक्ट बता रहा हूँ जी, और कुछ भी नहीं था, दो सूटकेस लेकर आए थे हम लोग 3,000 किलोमीटर दूर। तो इसने अपने मुंह से कभी शिकायत नहीं करी, मैं इसे परिचय कराना चाहता हूँ एक मिनट। बिल्कुल, मैं प्रीति मेहता, प्रीति नमस्कार प्रीति जी, ये भी मेरे साथ इंटरव्यू में है क्योंकि इसके बिना ये वो रेल की पटरियां है जो कभी मिल नहीं सकती मगर साथ साथ चलती जरूर है, और अगर ये नहीं चलेगी तो गाड़ी चल नहीं सकती, ये भी आप अच्छी तरह सब जानते हैं। अभी हर आदमी को लाइफ में खुशी चाहिए और खुशी इतनी आसानी से मिलती नहीं। मुझे डॉक्टर प्रेम भंडारे ने बहुत पहले एक गजल सुनाई थी, रंजो गम से जो बेखबर होता, काश ऐसा भी कोई घर होता। तो ये प्रेम भंडारे खुद का लिखे हुए हैं, और जहां तक मतलब जिस पोजीशन पर मैं आज हूँ शायद इससे ऊपर क्या पोजीशन हो सकती है प्रशासनिक अधिकारी के लिए, तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप चीफ सेक्रेटरी लगते नहीं है, तो मैंने क्या मेरी पर्सनैलिटी में नुकसान है, उसका जवाब भी प्रेम भंडारे ने गजल में दिया मुझे बहुत सालों पहले, मुझसे बोला उस बुलंदी से गिर के रुसवा हूँ, अच्छा होता जो जमीन पर होता। कितना आदमी ऊपर जाता है। शुक्रिया, आपको शेर अभी तक याद है मेहता साहब। वही दो चार चीजें याद है और मुझे याद है कि मेरा ये रंजो गम से जो बेखबर होता,
ये शेर सुन के ही आपने जब वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में थे तो मेरी एक किताब को आपने पब्लिश कराया था, खुशबू रंग सदा के संग, जिसकी बड़ी पजीराई हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है कि मेरे ख्याल से हमारे जीवन में सिर्फ नौकरी एक जीवन यापन का तरीका नहीं है, ये शायद एक सर्विस का एक वो है, हमारे कैरियर का, हमारी आत्माओं, हमारी हमारी आकांक्षाओं का एक वो फल है। कुछ लोग बिजनेस से करते हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग आपका जो है वो आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में अगर कोई चीज़ है, और ये बात कई बार राकेश साहब मुझसे बोल चुके हैं, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी अपनी स्पेस क्या है, आपके परिवार की स्पेस क्या है, आपके लोगों के लिए स्पेस क्या है, आपने अपने वातावरण के अंदर उसको कैसे बैलेंस करना सीखा है। और ये हमेशा मुझसे एक ही बात कहते हैं, मेरे ख्याल से राकेश जी खुद ही बोले तो अच्छा रहेगा। राकेश जी। हाँ, अरे आपसे बोलने से पहले मैंने जो है ये क्वेश्चन रिजर्व रखा था कि आपके टाइम मैनेजमेंट का जो मुकाबला है वो मैंने मतलब दुनिया में बहुत 30 कंट्रीज में गया हूं मैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं देखा मैंने कि जिस तरह टाइम मैनेजमेंट आपने जो मैनेज करते हैं आप, मतलब आपका एजुकेशन का जो भी रहा, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कंट्रोल है उसको आपने किया, और उसके अलावा जो फ्रेंड्स एंड फैमिली को टाइम देना टाइम टू टाइम, इट इज अ रिमार्केबल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो विश्वास मेहता जी की जो सफलता का राज है उसके उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देखता हूँ वो है इनका समय का संतुलन, कि समय जो है बीइंग सो बिजी एंड सो सीनियर आईएएस ऑफिसर, मतलब हाउ ही मैनेजेस हिज टाइम, दिस इज इनक्रेडिबल, यू नो, दिस इज ट्रूली इनक्रेडिबल। मैं अंशु जी सिर्फ ये कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का पूरा थोड़ा सा एक्सपेंड करके ये कहूंगा वर्क लाइफ बैलेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने परिवार के लिए, अपनी हॉबीज और पैशन के लिए, अपनी खुद की स्पेस जो है वो भी है एक, वो बहुत जरूरी है, उसको छोड़ना नहीं है, और उसके अलावा नौकरी। अब गधे और घोड़े में फर्क क्या है, आप अगर 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे भी नौकरी करते हैं या काम करते हैं, अगर उसका फल कुछ नहीं निकलता तो फिर वो गधे वाला हिस्सा है। अगर आप सरपट भागते हैं 7-8 घंटे में ही वो अचीव कर लेते हैं जो गधा शायद कभी ना कर पाया पूरी जिंदगी में, तो ये फर्क है शायद गधे और घोड़े में। मुझे लगता है हम सबको अपनी जिंदगी में जो भी हमें प्रतिभाएं हासिल है उसमें घोड़ा बनना चाहिए, गधे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप गधे बन के रहेंगे तो शायद ऊपर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जब हम गूगल पे नाम टाइप करते हैं डॉक्टर विश्वास मेहता का, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो दूरदर्शन के हैं, जो या दूसरे कार्यक्रमों के हैं, वहां पर एक आप गायक के रूप में हमें नजर आते हैं, और मुकेश के गीत ज्यादातर आप गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली भी मैं कहूँ और मैंने आपकी भी बात सुनी है, कि मुकेश की जो आवाज है वो ईश्वर की आवाज लगती है, जो कनेक्ट करती है संगीत से और बिल्कुल साक्षात उस परम शक्ति से। तो गायक और प्रशासनिक अधिकारी का जो ये बैलेंस है, इसको आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? मैं 2005 में यहाँ स्वास्थ्य सचिव था, करीब 4 साल यहाँ रहा। उस समय मेरे पास कुछ लोगों के ऑफर आए कि आप दूरदर्शन में हमारा संगीत का प्रोग्राम है उसको करिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बहुत कम अधिकारी हैं जो पब्लिक परफॉर्मेंसेस दे पाते हैं, गाने में शौक रखते हैं। मगर उसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। मैं सन 1999 में उदयपुर मेरी पोस्टिंग हुई राजस्थान में, एक मन में इच्छा थी कि अपनी जन्मभूमि में भी एक बार मौका मिले काम करने का, और वो असाइनमेंट क्या थी, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर। कोई पावरफुल असाइनमेंट नहीं है, किसी को लाइसेंस नहीं बांटने, किसी के कोई अप्रूवल्स नहीं देने हैं, कोई फंड नहीं बांटने हैं, लोक कलाकारों के साथ काम करना है, आर्टिस्ट के साथ काम करना है, प्लेज ऑर्गेनाइज करने हैं, पेंटिंग एग्जीबिशंस करनी है, हैंडीक्राफ्ट मेलास ऑर्गेनाइज करने हैं। तो एक जमीन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम करने का एक बहुत ही यूनिक मौका था। उस समय पहली बार मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर प्रेम भंडारी से, और मेरे मन में बात आई, मैंने कहा एक संगीत इंजॉय करने वाला एक छोटा सा ऐसा ग्रुप क्यों ना बनाया जाए, जो बारी बारी से मिले और अपने कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन के लिए इसको यूज करें। हमने 1999 में ये इसकी कल्पना करी। डॉक्टर प्रेम भंडारी हमारे पहले प्रेसिडेंट बने, हमने वो म्यूजिक लवर्स क्लब बनाया, आज भी चल रहा है वो, 17-18 साल हो गए और उसमें बड़े लिमिटेड परिवार जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर प्रेम भंडारी आज भी उसके
संरक्षक है, मैं भी उसका पैटर्न हूँ। और बड़ा सिंपल था, साल दो साल में एक बार आपको मौका मिलेगा, आपके घर पे बुलाइए परिवार के साथ दो तीन चार घंटे के लिए। कोई आपको ना हैरार्की देखनी है, ना आपको ये देखना है कि पैसा कितना आपके पास, आपका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही लिंक रहेगा और वो रहेगा संगीत, और वो संगीत हम शेयर करते थे। वो धीरे 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 वो पेड़ आज वट वृक्ष बन गया है, और आज उदयपुर में एक अलग पहचान है उसकी। उसकी मेंबरशिप मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि 100% मेंबरशिप डिग्री ये इसको मेंबर बनाया ना बनाया जाए, और आज भी वो चल रहा है। और मेरी एक ही इनसे गुजारिश थी कि मेंबर नहीं बढ़ाएंगे आप, इसी को रखे, आप चाहे तो मुझे चेंज कर दें पर मेंबर नहीं बढ़ाइए। तो ये राजस्थान के अंदर जब इन्होंने मेरी वॉइस रिकॉर्ड करनी शुरू करी, तब मुझे पता चला कि मैं गा पाता हूँ और ठीक गा सकता हूँ। मगर बात ये थी कि ट्रेनिंग नहीं थी, रियाज करने का वक्त नहीं मिल पाता था, आज भी नहीं मिल पाता। मैंने बहुत छोटा सा प्रयास किया था डॉक्टर प्रेम भंडारी के साथ, करीब एक महीना कर पाया बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे रियाज कराना जब शुरू किया तो पहली बार मुझे पता चला कि ये तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आपका गला गर्म हो जाता है, आपको पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरी आवाज में इतना ज्यादा चेंज आया उसकी वजह से, जो मैं कहीं कहीं बेसुरा हो जाता जो मुझे पता नहीं चलता था। तो जो सुरों का ज्ञान अगर हो और अगर आपको एक अच्छा सिखाने वाला मिल जाए, तो ये मैंने अपनी कल्पना रखी है रिटायरमेंट के बाद की। मगर यहाँ पे मैंने जब प्रोग्राम शुरू किए तो मुझे कभी कतई उम्मीद नहीं थी कि इतनी सफलता मुझे मिलेगी, और वो भी केरल जैसी जगह में जहाँ पे हिंदी के गाने सुनने का इनको इतना शौक हो। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक के बाद एक वीक प्रोग्राम आने लगे और बहुत सारे लोगों की संख्या, फैंस संख्या बहुत बढ़ गई। इतना कि मतलब मैं अगर रेलवे स्टेशन पे कहीं जाता लोग मुझे वहां पकड़ लेते, एक एक सेलिब्रिटी स्टेटस, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी मच बियॉन्ड एन आईएएस ऑफिसर। वो देखते थे कि कलाकार एक अफसर है, ये उनका मेरी तरफ से देखने का जो नजरिया है ही बदल गया। अदर पहले दे वर लुकिंग एट मी एज एन आईएएस ऑफिसर। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, स्टेज शोज किए, बहुत सफलता मिली। मगर एक छोटा सा नुकसान हुआ उसका, वो नुकसान ये हुआ कि कुछ लोग जो मेरी इस पॉपुलैरिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन लोगों ने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि ये तो सिर्फ गाना ही गाता है, काम नहीं करता। तो मेरे को मेरे खुद के जो है कुछ सीनियर्स ने एडवाइस किया कि आप पब्लिक परफॉर्मेंसेस और टेलीविजन को कुछ समय के लिए अवॉइड करिए, आप अपने पर्सनल लेवल पे करिए। तो मैं मेरे घर में आज भी करता हूँ, मेरे इस घर में भी एक छोटा सा मैंने सिस्टम लगा रखा है, और मेरे तीन चार फ्रेंड्स हैं उनके साथ कभी कभी आता हूँ, सप्ताह में दो सप्ताह में जब भी वक्त मिलता है एक दो घंटे में बताता हूँ। इनफैक्ट आपको बताऊँ, आज भी मैंने यहाँ के एक लोकल अफसर को बुला रखा है जो मोहम्मद रफी गाने गाता है, इस प्रोग्राम के तुरंत बाद मैं और वो बैठ के करीब दो घंटे रियाज, यही मेरा रियाज है। तो प्रोफेशनली मैं शायद नहीं कर पाया मगर जरूर करूंगा। इस प्रोग्राम के दरमियान भी हम चाहेंगे कि आपकी एक परफॉर्मेंस हो, हम भी सुनना चाहेंगे उसको। लेकिन हमारे अतिथियों के जो सवाल जवाब है उस राउंड के बाद हम वो प्रोग्राम चाहेंगे जरूर। मेरा सिर्फ इतना कहना है अंशु जी कि हमारे अंदर की अगर कोई प्रतिभा है, चाहे पेंटिंग बनाने की हो, स्कल्पचर की हो, गजल की हो, लिखने की हो, पढ़ाई करने की हो, कुछ भी हो, उसको सिर्फ हमारे वातावरण की वजह से हमको उसको उसका दम नहीं घोटना चाहिए, वो हमको मैनेज करना आना चाहिए। उसको अपनी प्रतिभा, अपनी स्पेस को खत्म नहीं करना चाहिए, दैट शुड समहाउ सर्वाइव। हम लोग हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं मगर अपने 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 आप को मार के करते हैं। तो और इससे ये महिलाओं से ज्यादा कौन जानता है, जिनकी पूरा पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है परिवार के बनने के बाद, उनकी पूरी जो आकांक्षाएं सब खत्म होती जाती है। तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए जैसे आप कर रही हैं। जी तो अब मैं चाहूंगी धीरज सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आपका सवाल है सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके विचार और उनके सवाल अगर है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। धीरज सर। थैंक यू अंशु जी। सर आपकी जो लाइफ की जो कहानी कही जाए, जो आज सबके सामने एक मिसाल बन के पेश की जा रही है, इसका पूरा औचित्य और पूरा पर्पस इस प्रोग्राम का यही था। जिस तरीके से आपने बताया कि ये तीन पीढ़ी, आज का हमारा लेसन है ये कि ये एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन तीन पीढ़ियों का जो त्याग है तब जा करके कहीं जिंदगी में कोई मुकाम हासिल होता है। और हम सबको ये बात अपने अंदर रखनी चाहिए कि ये लगातार मेहनत करने से ही कुछ फल आते हैं। तो अपने सारे अतिथियों के स्वागत के साथ जो मैं अपनी तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, कि जो नॉर्का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ काउंटर पार्ट ऑफ राजस्थान फाउंडेशन, सो दे हैव डन एग्जेम्पलरी वर्क,
on one hand where we have a lot of examples to set, where we have done good work. At the same time, we are open for a lot of learning. And Kerala being a highly aware state, itna wahan par awareness hai, और साक्षरता का जो परिषद है प्रतिशत है वो इतना हाई है, लोगों में समझने और आगे काम करने की जो एक प्रवृत्ति है, उसके मुकाबले जब हम राजस्थान में इन चीजों को कंपेयर करते हैं तो कई सारी चीजें नजर आती हैं जहाँ पे काम करने की गुंजाइश है। तो आपको जो सर केरल का एक्सपीरियंस है उसको आप कैसे देखते हैं और हमारे लिए आपको क्या गाइडेंस आप उचित समझते हैं कि राजस्थान में क्या क्या और किया जा सकता है? देखिए, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भी करीब 40-45 देशों में यात्रा करने का मौका मिला और काफी लोगों से मिला हुआ है, पूरे राजस्थान का, पूरे केरला का, पूरे हिंदुस्तान का और विदेश के करीब सभी कॉन्टिनेंट्स और 50 देश के करीब मेरे को देखने का मौका मिला। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे खासतौर से NRIs जो हैं, यहाँ NRIs भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर ही बोलते हैं कि साहब हिंदुस्तान में तो कुछ होता ही नहीं, हम लोग वहाँ तो करप्शन बहुत है, हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमने कई आइडियाज़ दिए, अगर वहाँ जाते हैं हम चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से मिलते हैं, कई वादे होते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है, नीचे जाके वही पटवारी, वही तहसीलदार वो हमसे रिश्वत मांगता है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं कई बार सुन लेता हूँ ये बात, मगर अक्सर मुझे बात पछती इसलिए नहीं है क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर पार्ट ऑफ द सेम चेंज। यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज कई जगह अवेलेबल होंगी, मगर यहाँ के कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम नहीं निपटाएंगे तो कौन निपटाएगा? हम यहाँ से भाग भाग के थोड़ी चाहे उससे उन प्रॉब्लम से भाग थोड़ी उसको निपटा सकते। तो मैं ज्यादातर लोगों से आपके हिंदुस्तान से आपका क्या नाता है, वो जन्मभूमि है ना आपकी, और जन्मभूमि क्या होती है? माँ होती है, और माँ के साथ आप बिजनेस के अगर आपको करना है तो आप 1 करोड़ 10 करोड़ मतलब बात मत करिए, आप वहां जाके करिए बिजनेस, भूल जाइए। आपको अगर अमेरिका में या यूरोप में या कहीं विदेश राज्यों में अगर आपको सक्सेस मिली है तो उसकी वजह से वो आपकी कर्मभूमि की वजह से मिली है आपको, या आपके अपनी कर्मठता की वजह से मिली है। मगर आप यही बिजनेस मॉडल को वहां हिंदुस्तान में रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो माता के साथ बिजनेस मत करो, आप वहां चैरिटी करिए। आपके 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमको 1 लाख ही काफी है स्कूल को ठीक करने के लिए, जहां पे आपने पढ़ाई करी, जिस गांव को छोड़कर आप गए वहां की सड़कें ठीक करा दीजिए, बिजली लगवा दीजिए, कुछ लोगों को किताबें दे दीजिए। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि धीरज जी, नोबडी हैज एवर बीन अप्रिशिएटेड, ऑनर्ड, रिवार्डेड एंड रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम द सोसाइटी। पीपल हैव रिसीव्ड, ऑनर्ड, अप्रिशिएटेड, रिस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड फॉर व्हाट दे हैव गिवन बैक। और इसकी परंपरा राजस्थान में है, हमारे पास हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैरिटी करी और चैरिटी से ही लोग जाने जाते हैं। अगर आपने पैसा इकट्ठा किया और अपने लिए किया तो कितना लेके जाओगे ऊपर? इसलिए चैरिटी की बात हमको करनी चाहिए। और राजस्थान फाउंडेशन है, जैसे नॉर्का है, नॉर्का में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी विदेश में अगर फंसा हुआ हमारा केरला का है तो हम उसको उसका हैंड होल्डिंग करते हैं। हम लोग अचानक कोई बात हो गई वहां पे, किसी उसमें फंस गया, किसी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसको लाना है, उसकी फैमिली को यहाँ सपोर्ट करना है, तो उस समय ये फाइलें वाइलें देखने का और प्रोसेस करने का और वो सब मेरा टाइम नहीं है हमारे पास, वो उसकी फैमिली त्रस्त है उस समय। अब जैसे ये कोरोना का हुआ, बहुत लोग मरे वहाँ, केरला के बहुत लोग मरे, उनको कैसे लाते हैं? हमें उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी थी, उसको हमने किया, बहुत बहुत एक्टिवली किया हमने। अब आपको, आपने एक बात की इंट्रोडक्शन में कि हमारे यहाँ करीब 4 लाख लेबरर्स थे, माइग्रेंट लेबरर्स, हम उनको अब माइग्रेंट लेबरर्स नहीं कहते हैं। धीरज, आपको आश्चर्य होगा, मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री से सुना, हमारे यहाँ केरला के मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको अतिथि तोड़ेलालीगल बोला, गेस्ट वर्कर्स बोला। कितनी स्टेट्स ने गेस्ट वर्कर बोला ये वर्ड, हम उनको गेस्ट मानते हैं। हमारे लिए, मेरे को बुला के सिर्फ एक ही उन्होंने चैलेंज दिया कि विश्वास, ये जो 4 लाख लोग बिना काम के, बिना रोजी रोटी के, बिना पैसे के हमारे लेबर कैंप्स में रह रहे हैं पूरे केरला में,
उनमें से एक भी आदमी बाहर स्ट्रीट पे नहीं आना चाहिए. वी लुक आफ्टर देम एज इफ दे आर पार्ट ऑफ आवर आवर होमलैंड एंड वी डिड इट. हमारे यहाँ कोई आदमी स्ट्रीट पे नहीं आया. हमने ट्रेन से लोगों को भेजा, ट्रेन से नहीं भेज रहे थे ये लोग. हमने उनके लिए, उनकी कम्युनिटी के लोगों के लिए कॉल सेंटर्स खोले ताकि वो हमसे बात कर सके. अगर उनको खाना रास नहीं आता है, अगर उनको रोटी चाहिए तो रोटी हमने मुहैया करवाया, उनको राशन दिलवाया, उनके यहाँ मेडिकल कैंप्स लगाए. एक भी बंदा कोरोना से नहीं मरा. और हर आदमी को भेजा हमने और हर आदमी को वापस लाए. दे वर गिवन द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट विच दे डिजर्व अनलाइक मेनी स्टेट्स हु कुड नॉट डू दिस. दे वर लुकिंग एट देम एज लेबरर्स, वी वर लुकिंग एट देम एज गेस्ट लेबरर्स. दे वर अवर गेस्ट एंड दे, यू बी सरप्राइज. मेरे पास पहला जो आंकड़ा था वो 3 लाख का था कि 3 लाख लोग जाना चाहते हैं असम से, वेस्ट बंगाल से. राजस्थान का नंबर तो बहुत छोटा था, मगर बहुत सारे लोग रुक गए. उसका रीजन ये था, जब स्थितियां बदल गई तो उनके यहां भी स्थितियां बदल गई, वहां भी फैक्ट्रियां बंद है और खाली हाथ जाना नहीं चाहते. तो बहुत सारे लोग रुक गए, बोले 2-4 पैसे कमा के जाते हैं क्योंकि यहाँ बिजनेस जब शुरू हो गया तो उनको लगा कि नहीं, ये सरकार ज्यादा हमारा ध्यान रखती है, हमें सड़क पर नहीं आने दिया, हमको भूखों नहीं मरने दिया, हमारी हेल्थ का ध्यान रखा गया. तो मेरा यही कहना है कि ये जो एक संवेदना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान के अंदर रह रहे हैं लोग या राजस्थान से बाहर है. राजस्थान के अंदर हम मेवाड़, भागड़, मारवाड़ ये बातें करते हैं, यही महाराष्ट्र में है, हाँ यही गुजरात में है, कोई कच्छ की बात करेगा, कोई सौराष्ट्र की बात करेगा. मगर हम जब बाहर जाते हैं, जो यहाँ पे हमारे कई विदेशों में भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, वहां पे हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हैं. वहां वो लोग ये नहीं कहते कि आप कहाँ से, सबसे पहले बोलेगा अब आंध्रा से बोलेगा, अब ये बोलेगा आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो. तो वहां पे हम लोग हिंदुस्तानी है, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है हम लोगों को. आई नो, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस एंड वी आर रियली ऑनर्ड विथ योर एस्टीम्ड प्रेजेंस टुडे एंड ये हमारे लिए एक बहुत सीखने की जरूरत है. तो इसके साथ मैं आगाज करता हूँ. आपकी जानकारी के लिए बताऊं सर कि हमने जो पूरे दुनिया भर में राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में एक ग्रुप बनाया है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल करके, और दैट ग्रुप इज डूइंग वंडरफुल. हम हर संडे को एक उनका एक लेक्चर भी करते हैं, उनको टेलीमेडिसिन और ई लेक्चर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. अभी आपसे मुखातिब होंगे डॉक्टर जयवीर राठौड़ साहब, और उनके बारे में मैं बताऊं कि इन्होंने एक गोल्डन सजेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को कि अपनी जो PHC है, अपने लोकल जो भी हेल्थ सेंटर है उसको अडॉप्ट करने के लिए द NRRs विल कम फॉरवर्ड इन अ वेरी बिग वे. तो वो तो उनकी खासियत है, जो बाहर जाते हैं सबके मन में एक लालसा होती है अपने गाँव की ढाणी और गाँव शहर ब्लॉक के लिए कुछ करें. तो चैरिटी जैसा आपने कहा वो एकदम निस्वार्थ भावना से ये लोग ने ऑफर किया है, हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं. जयवीर राठौड़ साहब आज हमसे जुड़े हुए हैं US से, और मैं चाहूंगा कि वो भी आपसे कुछ अपना डायलॉग करें. थैंक यू धीरज जी एंड सभी को नमस्कार, स्पेशली मेहता साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. तो मेरा ब्रीफ आपने बता दिया. मैं जोधपुर से हूँ, ओरिजिनली गांव है मकराना के पास, और आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जिकल एपिलेप्टोलॉजिस्ट. सो बेसिकली वी डू ब्रेन सर्जरीज एंड स्टफ फॉर एपिलेप्सी, एंड आई हैव अ क्लोज एक्चुअली वर्किंग रिलेशन विद श्री चित्रा तिरुनल इन त्रिवेंद्रम. डॉक्टर माधवन थे पहले वहां पे, अभी आई थिंक वो मैंगलोर चले गए हैं. एंड माई डिस्टेंट कजिन वॉज ऑल्सो ए Dr. Rathod was there. He was an epileptologist. And the head of that was trained, Radha Krishnan Madhavan. He was trained in Cleveland Clinic in Ohio, where I trained myself. So I've been in good touch. And I think Trivandrum ka jo center hai, India ka one of the leading center hai, epilepsy surgeries, epilepsy care ke liye. Aur mera kai bar saath padha hai, kai mere colleague bhi Kerala se hain. Mere bade bhai sahab Indian Navy mein कोचीन में जो सेंटर है उनका, वहां पे 8 साल रहे हुए हैं. सो कुछ रिलेशन है केरला के साथ. एंड इट्स ग्रेट टू सी कि एक फेलो राजस्थान के जो हैं आप वहां पे IAS के हाईएस्ट पोस्ट पे हैं. इट्स रियली बहुत गर्व की बात है हमारे लिए. मैं फिलहाल टेम्पा फ्लोरिडा में हूँ, और
करीब 2005 से यूएस में हूँ, और जैसा कि धीरज जी ने बताया कि ये जो पहल चल रही है, और मैं कई दिनों से इस चीज के ऊपर सोच भी रहा था कि केरला ने इसमें पहल कर चुके हैं एक्चुअली ऑलरेडी, और आपका WHO का रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है अर्लियर दिस ईयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड पैरालिसिस प्रिवेंशन फॉर ए वेरी यू नो आउटस्टैंडिंग वर्क दैट केरला हैज डन. तो एक्चुअली हमारे लिए काफी सीखने के लिए भी है और काफी कोलैबोरेशन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह से हम वो सारे एक्सपीरियंस जो आपके पास हैं, क्योंकि केरला इज वन ऑफ द यू नो लीडिंग स्टेट्स इन द कंट्री वेयर पीपल लिव आउटसाइड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई थिंक केरला रैंक्स नंबर वन इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अप्रोक्सीमेटली 19% ऑफ द टोटल 69 बिलियन दैट हैज कम इन लास्ट फिस्कल ईयर. And it's amazing to see that a state with 1% of the land mass of India, with only 3% of the population, you know, of the whole India, is leading in such a big way. It is really, and it's a blessed state, I would say, as aapne mentioned kiya ki shuru mein itni hariyali, itni barish, itna, you know, achi tourism aur har cheez ki opportunity ke liye. It's a great state and great model for us to learn. That how can we bring that to the largest state in India, Rajasthan, which is 10 times bigger than Kerala. There are many opportunities for us, and we would really appreciate that you join us with us. And Doctors of Rajasthan International or Rajasthan Foundation, humko apna experience time to time, jab humko zarurat ho, to aap guide karein usme. Aur, डेफिनेटली मैंने ये भी देखा है कि आप में अभी तक केरला एक्सेंट नहीं आई है, आपने लैंग्वेज जरूर सीख ली है. तो जैसे मैं मेरे कई यहाँ पे जो नर्सेस हैं और वो केरला से आते हैं, और स्पेशली आप जानते हैं कि केरला हैज एक्सपोर्टेड सो मेनी नर्सेस, एंड आप लोगों ने नर्सिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह बनाया है जिसके थ्रू काफी नर्सेस जाते हैं. तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो जो एक टेस्ट होता है मेरा, मैं उनसे कहता हूँ Can you tell me what year is it? And then they say 2020. So I will tell yes, you are from Kerala. Because 20 jo accent aata hai, jo wo typical Kerala accent hota hai. So thank you very much. And bas main yahi chahunga ki hum aur collaborate karein aur aap hamari madad karein. Rajasthan mein, jaisa ki aapne bataya Sundriya sir ne ki हम चाहते हैं कि कुछ करें, और जो कॉन्सेप्ट और आइडिया जो सजेस्ट किया था कि भाई मारो गांव स्वच्छ गांव, कि भाई हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे, हॉस्पिटल है जो भी PHC के लिए, इन कोलैबोरेशन विद द विलेज पीपल, एंड अगर गवर्नमेंट उसमें डॉक्टर्स और नर्स अपॉइंट कर दे, और वी कैन हेल्प रन इट विद एक्सपीरियंस एंड टेलीमेडिसिन एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज जितने भी नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी हैं, दे वांट टू डू समथिंग, एंड सबसे ज्यादा उनका एफिलिएशन अपने खुद के गांव से या खुद के डिस्ट्रिक्ट से होता है. तो एक तो स्टेट लेवल पे करें, और एक अपना जो है अपनी ओरिजिन रूट प्लेस के लिए करें. तो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रियली डू सिग्निफिकेंट चेंज, और आई एम होपिंग, जैसे कि आपने कहा कि भाई लोग कहते हैं कि भाई वो मारवाड़ी में कहते हैं कि पहली तो होती गवर्नमेंटा अंग्रेजों के टाइम पे कि मिंटा में काम होता हो, अब है सरकार जो को सरकावे काम आने. तो आई होप कि हम सरकाएं नहीं काम को, और सरकार जो है काम करे. और आपके यहाँ तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है CPIM और BJP का, सो यू नो, सो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक जस्ट लाइक टू टेल यू डॉक्टर जयवीर दैट आई हैव वर्क्ड 7 years इन हेल्थ बोथ एट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. मैं तो, मेरे पास ऐसा कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाता, डूंगरपुर के लिए जहां मैं पैदा हुआ. बट वन थिंग आई कुड डू व्हेन आई वाज हैंडलिंग मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, लुकिंग आफ्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इज दैट वी ओपन डोर्स फॉर रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन बाय चेंजिंग देयर रेगुलेशंस. दे वर एट्रोशियस एंड दे वर चेंज्ड. एंड वन ऑफ द रीजंस दैट MCIA हैज बीन डिसमिस्ड नाउ and the National Health Commission has been is because of my recommendations given at that time when Dr. Harshvardhan had just taken over charge, and we framed that legislation. And the only contribution perhaps which justified my coming into this service and for Rajasthan was when we could sanction medical colleges, and largest numbers, 7 or 8 of them, Dheeraj ko pata hoga, were sanctioned to Rajasthan.
और उसके लिए बहुत लंबी कहानी है, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, पर आई यूज्ड अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है गहलोत साहब का, उनकी चिट्ठी को यूज करके मैंने डूंगरपुर को मेडिकल कॉलेज दिलवाया उस समय, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गया जहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं है, जहाँ कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और डूंगरपुर इज वन ऑफ देम। और आज भी लोग वहां याद करते हैं कि ये कम से कम एक कॉन्ट्रीब्यूशन इनका ये रहा कि अब उनको अहमदाबाद या उदयपुर भागने की जरूरत नहीं है फॉर अ स्मॉल स्मॉल ट्रीटमेंट। अंडमान निकोबार से यू कैन नॉट डू एंजियोप्लास्टी, यू नो एंजियोग्राफी नहीं कर पाते थे आप वहां से, यू हैव टू रश टू, पेशेंट्स यूज्ड टू डाई, यू नो नॉट एबल टू इवन फाइंड आउट। आज भी ये हालत है स्टेट आफ्टर स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। आई फाउंड आउट ऑफ 700 odd districts, some 644 or so had no medical college at all. And the medical colleges are all concentrated in four or five states. 64% of medical colleges are all concentrated in south. State after state. Aapke Puducherry mein, if you look at the population versus medical college, will be one of the highest. Whereas Rajasthan mein, kahi districts mein, ek bhi medical college nahi hai, private na, government hai. So government mein toh kam se kam, every district hospital can be converted to medical college. What is so big about it? It can be a teaching hospital. You have to add some facilities. And fortunately, we succeeded and that scheme is still continuing. So I'm very proud of the fact that I could contribute in a small way. There are ample opportunities in reforming and contributing when you by sitting there. And we have enough experiences. 7 years I have spent in this. Har ek state ka apna apna response hota hai, district administration ka, how they do it, how they handle it. That is something for us to resolve, not for you to resolve. You have to give your ideas and how do we make a win-win situation so that you also feel happy and satisfied is something which we can work. Dheeraj, definitely I would like to work once I finish this present assignment. Very well said, sir. Thank you so much. Thank you. And we really owe this to you कि आपने जो medical colleges की दिशा में जो remarkable जो Rajasthan के achievement हुए हैं, वो credit goes to you. और आप इस असाइनमेंट में रहते हुए भी हम आपकी सेवाएं और आपके एक्सपीरियंस जो है यहाँ यूज करते रहेंगे। तो आफ्टर जयवीर साहब, मैं नाउ आई मूव टू नरेंद्र जी, हमारे दूसरे बड़े प्रोग्राम जी। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इंट्रो करना चाहता हूँ, बिकॉज डॉक्टर राठौर एंड डॉक्टर मेहता इज हियर। ओके ओके, प्लीज कम, कैन आई हैव 1 मिनट प्लीज? ओके, नहीं, प्लीज टेक योर टाइम। या Dr. Rathor, you know, the problem actually in India is, you know, that we are having very less doctors here, you know, per patients, you know, per population, whatever it is, you know. So Dr. Mehta, you know, he has been already in this field for almost 7 years. So mera question hai ki doctors ki jo kami hai, वो उसको पूरा करने के लिए नो विलेज लेवल पे वो जाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज पढ़ के वो बाहर निकल जाना चाहते हैं या बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। तो माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू विल बी कि हम लोग जो ये नर्सेज हैं, दे आर क्वाइट क्वालिफाइड, यू नो, जो नर्सेज हैं, क्या ऐसा कुछ कोर्स जो है या कुछ ऐसा इंट्रो लेवल का जो है एक एग्जाम कर लें जिससे इनको ये अलाउ करें कि भाई कि कुछ जो है मतलब ट्रीटमेंट अदर देन द सर्जरी they should practice in the villages, you know, is tarah ka kuch ho sakta hai kya? Dr. Mehta and Dr. Rathore, question to you. Aisa hai, ye bada complicated subject hai, aasani se Dr. Jayveer bhi jawab nahi de payenge because he is a medical professional. What we can do is hamari jo puri medical education hai Hindustan mein wo urban centric hai and hospital centric hai. Ek gaon se ladka aaya, वो एक मेडिकल कॉलेज में गया किसी सिटी में, वहाँ वो MBBS उसने किया, उसको कुछ पता नहीं है, व्हेन ही लर्न्स हिज बेसिक थिंग्स इन इंटर्नशिप एंड ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उसने कर ली उसके बाद वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए यूजफुल नहीं है, और बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए उसके सपने पूरे नहीं होते। रीज़न ये है कि उसने इतने साल लगा दिए अपनी जिंदगी, बहुत लॉन्ग एजुकेशन है, 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं डॉक्टर को, अच्छा डॉक्टर बन गए, इट्स अ लॉन्ग वे, लॉन्ग हॉल, यू कांट क्रिएट डॉक्टर्स ओवरनाइट। तो एक इसका सोल्यूशन हमने जो सोचा था, जो कि मेडिकल काउंसिल और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE ने भी सपोर्ट किया था, वॉज कि वाई नॉट वी फाइंड इंटरमीडिएट पर्सन इन बिटवीन द डॉक्टर एंड दिस थिंग, दे शुड गो टू अ डॉक्टर ओनली व्हेन देर आर मेजर रिक्वायरमेंट्स। तो वी ट्रेन पीपल हु कैन डायग्नोज सिंपल एलिमेंट्स, डायजेंट्री है, डायरिया है, आपके फीवर है, कॉमन फीवर है,
या आपका जो है इस तरह के दो चार छोटी छोटी चीजें हैं जो कि वो गांव में जो जो अनप्रोफेशनल मेडिकल जो इसको बोलते हैं ना वो झोला छाप उसके पीछे घूमते हैं जो दवाइयों के नाम याद रख के देते हैं उसको अवॉइड करने के बजाय दिस कैन बी द मेडिसिंस कैन बी डिस्पेंस आशा वर्कर्स हैव स्टार्टेड डूइंग इट इन फैक्ट दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड दे आर नॉट सपोज्ड टू गिव मेडिसिन बट दे आर डूइंग इट तो इस तरह के एक प्रोटोकॉल बनाया जाए जो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हो जिसमें डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है एंड द पर्सन इज क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड इन हॉस्पिटल्स हु नीड नॉट बी अ डॉक्टर हु इज ऑल्सो ट्रेन्ड इन अ हॉस्पिटल टू टेक एंड डायग्नोस ओनली दोज माइनर कॉमन एलिमेंट्स एंड ट्रीट देम एंड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन द फीवर डज नॉट सबसाइड और एनीथिंग एल्स हैपेंस देयर द केस इज रेफर टू अ हायर लेवल एक इंटरमीडियरी हमको उसमें बनाने की जरूरत है हम इसको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कह रहे थे डॉक्टर विनोद पॉल हैं आजकल नीति आयोग में ही इज फ्रॉम एम्स अभी वो उसके मेंबर हैं और उनके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ हमने एक कोर्स भी बनाया इसका कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के नाम पे ताकि डॉक्टर और इसके बीच का जो सीढ़ी है जो स्पेशली रूरल एरियाज में इसी 70% डॉक्टर्स आर वर्किंग इन 90% ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया whereas 5 lakh villages do not have access to medical doctors hai nahi to ye challenges sab jagah hai aur agar har district mein agar ek ek medical college hum khol paaye aur is tarah ka ek system banaye jisme jhola chhap na karke thoda sa trained ho banda to common ailment deal kar sake so it is possible to mitigate excellent bilkul bilkul sahi kaha aapne mehta sahab aur actually ye discussion hamara pehle rajasthan foundation mein dheeraj sahab हमने डिस्कस किया था ये कि एक फिजिशियन असिस्टेंट या नर्सिंग नर्स प्रैक्टिशनर जो कि हाँ तो यूएस में हम लोग अभी फिजिशियन असिस्टेंट है हमारे और जो टाइम जो होता है ना डॉक्टर्स आपने जैसे कहा कि यू कैन नॉट रियली ओवरनाइट प्रोड्यूस लॉट ऑफ डॉक्टर्स तो यू विल हैव टू फाइंड अ टाइम टू कट बैक ऑन द यू नो द जंक वर्क उसका जो स्कट वर्क बोथ जिसको बोलते हैं हम कि भाई पेशेंट आया आपने पूछा क्या तकलीफ है पूरी क्या क्या दवाइयां लेते हो क्या फैमिली हिस्ट्री है एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोफाइल उसका पेशेंट का डॉक्टर को टाइम स्पेंड करके लेना पड़ता है आखिरी में जो असेसमेंट और प्लान जो होता है दैट बेसिकली नीड्स द डॉक्टर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज तो जो इनिशियल जो पार्ट है वो नर्स प्रैक्टिशनर या फिजिशियन असिस्टेंट टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें 15 से 20 मिनट जाते हैं तो वहां आप रिलेटिव डॉक्टर्स टाइम यू कैन सेव And in a way, you can doctor can see more patients if the physician assistant comes and present the case. Okay, doctor, sir, this problem is. Inko ye ye ho raha hai. This is the history, or this is this, or ye baat hai doctor. So you can quickly make it because formulating the assessment and plan doesn't take too long for an experienced physician. So आप फट से अपने बोला और फिर जैसे मेरी क्लिनिक की प्रैक्टिस में ऐसा है और फिर जो सारे जो orders place करने होते हैं, I have nurses who do that. So my job is to basically listen to the story, take quickly examine the patient and tell them what to do. And then I'm on the next patient. So this way we can increase the relative number of doctors we have already because experience or knowledge comes with time. You cannot really over, you know, produce that overnight. So our effort jo hai, har state, har district ke andar ek medical college khola, we have to be careful with that, that, you know, we might be increasing the numbers But we have to make sure that the quality of the doctors that come out is also good because that is also not going to help. And जैसे मेहता साहब ने कहा कि आप doctors जो medical college से निकलते हैं before internship, उनके पास theoretical knowledge ज़्यादा होती है, उन्होंने observe किया होता है, but they don't have much experience. And if you go back in history, Johns Hopkins जहाँ से मैंने training की है, which is number one in the United States, father of modern medicine William Osler, who used to work there, and he said, and that's how the whole residency program started it started in Johns Hopkins because doctors unne kaha ki aap medical college se nikalte ho aapke paas knowledge nahi hoti you should stay in hospital as a resident at least for 1 year and then you are going out in the practice to ye wahan se experience nikla tha aur aaj worldwide jo hai hum log residency wagera karte hain so it is very important so we have to come up with cutting short of the time that doctors don't need to spend on so that they can see more patients And we have to use the latest technology, gadgets and everything for the e-consults and everything where there is a किसी छोटे से गांव में अगर physician assistant and nurse practitioner को अगर कुछ case complicated लग रहा है तो they can quickly reach out to the doctor who is sitting in a community health center
maybe in a subdivision state or you know a bigger small town where they can give their recommendations and save life because time is money. मैं गांव से कई कहानियां सुनता हूं कि कुछ हुआ वो गाड़ी में लेके भागे और जब तक वहां तक किसी छोटे टाउन तक पहुंचते वो पेशेंट एक्सपायर हो गया. तो वो ये जो टाइम और जो लेटेस्ट अपने पास है फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी की, आई थिंक वी शुड यूज दैट टू कट बैक ऑन दोस थिंग्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर यू नो स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स. बिग सेंटर्स बिग सिटीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कुछ करना पड़ेगा हमको बिकॉज़ इट विल टेक सेवरल इयर्स फॉर अस टू प्रोड्यूस मोर डॉक्टर्स एंड सेवरल मोर इयर्स फॉर देम टू बी रियली एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल यू नो. थैंक यू फॉर योर सजेशन सर. एंड नाउ आई इनवाइट नरेंद्र जी. थैंक यू धीरज जी, राजस्थान फाउंडेशन नरेंद्र जी. ये जो आप फॉरम बनाया है इससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे लोगों को. मैं जैसे एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आईटी से बिलोंग करता हूँ, टेक्सास यूएस में काफी टाइम से हूँ और राजस्थान में जो मेन मारवाड़ जो पाली डिस्ट्रिक्ट है वहां से हूँ. एक्चुअली इस यहाँ पे डॉक्टर विश्वास जी स्पेसिफिकली आप देखते हो तो राजस्थान के उस एरिया से बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेस ओनर्स है जो कि बाकी सारे स्टेट्स में है और उनको उनके उनके साथ मैं काम करता हूँ जिससे कि उनको कनेक्ट कर पाऊँ किसी भी तरीके से बैक होम पे या उनको उस हिसाब से फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए कि वो एक दूसरे से कनेक्ट करे और जो जो दूर रह रहे हैं उनको उसका इतना वो उस लैंग्वेज का या कुछ और बैरियर उनके सामने नहीं आए. तो जैसे मैं आपसे कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हम ये देखते हैं कि राजस्थान और केरला दोनों में वाइस वर्सा के बीच में काफी माइग्रेशंस होते हैं. जैसे राजस्थान से काफी लोग, यहाँ तक कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स जो केरला में वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या वो किसी न किसी टाइप का बिजनेस करते हैं. जैसे देखते हैं तो 80% बिजनेस में ही होते हैं. सेम टाइम हम ये देखते हैं कि केरला से जितनी जो एजुकेटेड और खास करके हेल्थ केयर में काफी लोग राजस्थान के साइड में आते हैं. तो मेरा यह है कि आप या और राजस्थान फाउंडेशन जैसे अपन तो देखते हैं किस टाइप से हेल्प करें. जो वे उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है या उनकी जो कनेक्टिविटी है. सॉरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है. हाँ तो मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जो राजस्थान की और केरला की जो पॉपुलेशन है उनमें काफी माइग्रेशन है ईच अदर के बीच में. हेल्थ केयर के अंदर भी देखिए आप स्मॉल बिजनेस के अंदर भी है. तो मेरा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि किस टाइप से राजस्थान की साइड से और केरला की साइड से जहाँ पे आपका अपनी आपके ऑफिशियल लेवल की पोजीशन है जिससे आप हेल्प करवा सके कि इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देखता हूँ कि जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं जो आप कहते हैं कि जो आजकल कई बार जॉब नहीं होने के कारण से उनके पास वो काम करते हैं राजस्थान के लोग केरला में और एजुकेटेड है, इज नॉट कि वो बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है. उनके लिए कोई इवनिंग स्कूल्स की जैसे केरला के अंदर अवेलेबिलिटी हो जाए तो उसमें क्या होता है कि जो लोग वहां जाने के बाद में कई बार बिजनेस में कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग वापस आए तो उसके बाद में उनके पास कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग होती है जैसे इवनिंग आवर्स की कुछ लर्निंग हो जाए या दूसरा उसमें ये होता है जैसे कनेक्टिविटी का देखिए आप. और उसके अलावा एक और चीज ये आती है कि पर्यटन के हिसाब से अपन देखें तो राजस्थान और केरला दोनों ही बहुत फेमस है. केरला को गॉड्स कंट्री कहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा टूरिज्म का. प्लीज लिमिट योर क्वेश्चन, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए क्वेश्चन को. हाँ जी, तो जो उसमें क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के अंदर पर्यटन हो या जो माइग्रेशन है उसमें हम किस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए या हेल्प करें आपकी आपके साइड से केरला साइड से और राजस्थान फाउंडेशन की साइड से कुछ एंड ग्राउंड लेवल पे होंगे बेनिफिट मिले. मैं ऐसे टेक्नोलॉजी से हूँ तो टेक्नोलॉजी के साइड में किस तरीके से हम उनको कनेक्ट कर पाए और उनको हेल्प कर पाए उसका उससे रिलेटेड कुछ सजेशन होता आप. माइग्रेशन जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे यहाँ से जो माइग्रेशन है केरला से वो ज़्यादा गल्फ में क्यों हुआ, कई सालों से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज कम है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. छोटी सी जगह है, 1% ऑफ लैंड, डॉक्टर जेवियर ने बोला उस समय, पढ़ी लिखी जनता है,
हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। बिजनेस फैलाने के लिए आपको जमीन चाहिए, पैसा चाहिए और स्किल्ड लेबर चाहिए। वो स्किल्ड लेबर ज़्यादातर बाहर चली गई क्योंकि वहाँ अच्छा उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, क्वालिटी ऑफ देयर स्किल्स इज मच बेटर टू गेट देम जॉब्स हियर। यहाँ की नर्सेज दूसरे स्टेट्स में और दूसरे विदेशों में क्यों गई? इसलिए गई कि यहाँ पे एजुकेशन और स्किल लेवल बहुत अच्छा है, मगर यहाँ उतने हॉस्पिटल या उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि उनको दे पाए। बाहर से राजस्थान से हमारे यहाँ लोग केरला क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ वेजेस बहुत हाई है। यहाँ पे एवरेज डेली वेजेस जो है 950 रुपीज है पर डे। आप मुझे बताइए राजस्थान की स्टेट में मिनिमम वेजेस क्या है? कोई 950 रुपए देगा किसी आम नॉर्मल लेबर को? उनके लिए ये गल्फ है। राजस्थान के लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, असम के लोगों के लिए ये गल्फ है, हमारे लिए गल्फ दूसरा है। तो जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, जहाँ लिविंग कंडीशंस बेटर होंगी, जहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, वहाँ जरूर आएगा। हमारे यहाँ 1,00,000 करोड़, डॉक्टर जयवीर ने पहले बोला 1,00,000 करोड़ हमारे पास NRI रेमिटेंसेज आती है। ये जाता कहाँ है पैसा? बिजनेस में नहीं जाता है, ये बिजनेस एंटरप्राइज नहीं बनती। कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, ऐसा यहाँ बहुत कम है। थोड़ा सा लेबर ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा यूनियनाइज्ड है, दे आर अवेयर ऑफ राइट्स, अनफॉर्चुनेटली नॉट ड्यूटीज। तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमको आ रही है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी उतना नहीं दे पाते और हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो बाहर जा रही है, ओल्डर पीपल आर लिविंग देयर। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो दे आर कमिंग प्राइमरीली बिकॉज दे आर गेटिंग बेटर वेजेस हियर। मैंने इस बार जब आंकड़े देखे माइग्रेट लेबर्स की, तो राजस्थान की लेबर संख्या बहुत कम थी, मेरे का 20-25-30 हज़ार मुश्किल से थे। और वो भी पूरे फैले हुए थे आपके पूरे राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, एक एक डिस्ट्रिक्ट से देखे कोई कहीं से 50, कहीं से 100, और वो भी क्या है, वो भी केरला की 14 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए। तो उनको आप इकट्ठा करके भेजो कैसे? और मिनिमम एक क्रिटिकल नंबर चाहिए उनको भेजने के लिए, ट्रेन में भेजे या बस में भेजे? बस से जाना बड़ा मुश्किल है, 3,000 किलोमीटर। तो हमको माइग्रेशन के टाइम पे ये दिक्कत आई कि हम एक साथ उतने नंबर ही कलेक्ट नहीं कर पाए कि उनको राजस्थान कैसे भेजें। फिर भी कोशिश करी हमने, सक्सेसफुल हुए। पहले सबसे बड़े लार्ज नंबर जो गए ट्रेन में वो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपके आसाम, वहां से गए। तो यहाँ बिजनेस एंटरप्राइजेस उस तरह की नहीं है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को सपोर्ट कर सके। लेबर को जरूर सपोर्ट करती है, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, मगर उस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है इट विच सपोर्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डायरेक्टली और स्किल लेबर्स। यहाँ पे सर्विस सेक्टर को जरूर सपोर्ट करते हैं। आपके जो कोचीन है, एर्नाकुलम टाउन, वहां पे सदियों से आपका स्पाइसिस का व्यापार रहा। पोर्चुगीज भी इसीलिए आए यहाँ पे, सबसे पहले पोर्चुगीज क्यों आए यहाँ हिंदुस्तान में? पोर्चुगीज आए स्पाइसिस की वजह से। ये काली मिर्च और ये जो मैं आपको बता रहा था चाय, कॉफी और इलायची, इसकी वजह से आए हो इतनी दूर से, रबड़ की वजह से आए। तो व्यापार की दृष्टि से ठीक है, सर्विसेज के हिसाब से ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत कम है और सरकारी सेक्टर में लिमिटेशंस है नौकरियों। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी में उसको इंटरेस्ट कम है और प्राइवेट नौकरी सपोर्ट उतना है नहीं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे बैठेगी, मुझे इतना इसका क्लैरिटी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्कोप है। तो सर एक क्विक फॉलो अप क्वेश्चन है, जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पे जो सर्विस इंडस्ट्री है वो काफी अच्छी है, तो और अभी जो लोग राजस्थान में जो कोशिश कर रहे हैं केरला में जाते हैं वो सब अपने बेस पे जाते हैं, देयर इज नो वे कि जो केरला के सर्विस इंडस्ट्री के लिए राजस्थान के अंदर या रिलेटिविटीज मिले कि हाँ इफ यू वांट टू मूव मोर टू केरला साइड ऑफ इट राइट, इज मोर इन्फॉर्मेशन का जो होता है, कोई भी फॉर्मल टाइप से कुछ भी नहीं है वहां पे। हम देखते हैं कि हाँ एक जो विलेज का बंदा है उसको थोड़ा नॉलेज है, वो एक से दूसरे को लेता है। अगर उसमें जैसे सपोज कीजिए कि राजस्थान और केरला गवर्नमेंट या जो भी फाउंडेशन है किसी भी टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है तो उससे काफी हेल्प होती है। इट्स पॉसिबल, वो बिल्कुल पॉसिबल है और उसके लिए संगठित होना जरूरी है, उसके लिए संगठित होना जरूरी है। यहाँ बहुत यूनियनाइज है, यहाँ हर चीज के एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, लेबर्स एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है। तो अगर राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से अगर कोई फॉर्मल इस तरह का प्रपोजल बनता है तो डेफिनेटली सरकार उसको सपोर्ट करती है। नरेंद्र जी आपका सुझाव जो है ना इस पर ऑलरेडी अभी आपने देखा होगा जो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ यूके ने ऑलरेडी फ्लोट किया है एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम, अगर आपने देखा हो, जिसमें आप आईटी के माध्यम से यू कैन इम्पार्ट स्किल, आप यूएस में बैठ करके
बाड़मेर की किसी भी ढाणी में आप कुछ भी स्किल ट्रांसफर कर सकते हैं. सो वी विल डेवलप दिस कॉन्सेप्ट एंड मेक इट ग्लोबली, कि केरल से भी इसमें लोग जुड़े, ऐसा भी हम कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर योर सजेशन, और आपने टाइम हमारे लिए निकाला, विश्वास जी से जुड़े आप, धन्यवाद. तो अब हम चलते हैं आगे. राकेश साहे साहब, कुछ आप बचपन के दोस्त हैं और आपके साथ में हमारे मेहता साहब की बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, तो आप कुछ बताना चाहें सर के बारे में. विश्वास मेहता साहब जब यंग आईएएस ऑफिसर थे तो हम वहां पे बिजनेस में थे कोचीन में, और तब से हम लोग जो है वो फैमिली रिलेशंस हैं हम लोगों का. एक्सक्यूज मी. सो मैं केवल ये देख रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ कि वो जो चीज जहाँ he has a magic fingers, you know, wherever he touches, whether it is education he becomes doctorate in that, whether he takes administration he becomes chief secretary, when he sings, I don't think that I have ever heard anybody like Mukesh he sings, you know. आप लोगों ने भी उनका गाना सुना नहीं है, लेकिन अंशु ने प्रपोज किया है, perhaps we'll be lucky to have his song here. तो इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अब वो इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि राजस्थान के जितने लोग हैं मैं चाहूंगा अब उनको मैं नेक्स्ट लेवल पे देखता हूँ, तो केवल एक गवर्नर की पोजीशन है जहाँ पे मैं उनको देखता हूँ कि जहाँ वो जो स्किल्स उन्होंने अडॉप्ट करी हैं वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी को. तो हम लोग सब ये चाहते हैं और कोशिश करें अपने लेवल पे कि अब जो है विश्वास मेहता, डॉक्टर विश्वास मेहता शुड बी अ गवर्नर ऑफ ए स्टेट. एंड राजस्थान के जितने हैं वो राजस्थान में पैदा हुए हैं, तो राजस्थान के जितने लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने लेवल पे जो चाहें जैसे चाहें ये देखें कि भाई हम हमारी भी हमारे उनके जो ग्रुप है दोस्तों का वो भरपूर कोशिश रहेगी कि उनको जो है वो अब नेक्स्ट लेवल गवर्नर पे हम देखना चाहेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छी दुआ करी है, लेकिन मैं अपने तौर पर तो यही कहूंगा कि आपने गवर्नर बना के मेहता साहब को अंडरमाइन तो नहीं कर दिया कहीं, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत सारे क्वालिटी से नवाजा है, और मुकद्दर में किसके क्या है उसको लिमिट नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, उनको कहाँ ले जाएंगे. अभी बहुत समय बाकी है जी, और काफी कुछ अभी देखना भी बाकी है. तो प्रेम भंडारी साहब, लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम यू. देखिए बहुत कुछ बातें हो चुकी है, बहुत कुछ सुन चुके हैं विश्वास मेहता साहब के बारे में. मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग आए वक्त का सांचा बदल गए. विश्वास मेहता साहब गए हैं वहां, इन्होंने राह बनाई है, अपने तरीके से काम किया है, और जो भी काम किया बड़ी ईमानदारी से किया और बड़ी लगन के साथ किया, नए नए आयाम दिए. विश्वास मेहता साहब का गाना मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम दो चार मिनट जरूर सुनाएं. और जैसा आपका कहा जाता है कि मुकेश के गाने ही आप गाते हैं, तो ये बात थोड़ी गलत है इन दिनों में, क्योंकि आपने किशोर कुमार को भी गाया है, मन्ना डे को भी गाया है, महेंद्र कपूर को भी गाया, और इवन मोहम्मद रफी साहब को भी गाया है. तो आप वर्सल सिंगर हैं, खाली मुकेश जी की छाप लगा देना इनके लिए अच्छा नहीं होगा. और वेस्ट जोन कल्चर सर में जब आप यहाँ थे तो आपसे बड़ी मुलाकात होती रही, थोड़ा दिन सीखा, एक महीना करीब सीखा, लेकिन एक महीने में इतना सिंसियरिटी से म्यूजिक सीखा कि वो दो तीन साल के कम नहीं है. जितना दो तीन साल में कोई एक आप सीखता है, मेहता साहब ने एक महीने में सीख लिया. और यही बात है कि इस सीखने के बाद इतनी ईमानदारी से सीखा कि आपका सच्चा स्वर लगता है,
और कहते हैं कि जिस आदमी का सच्चा स्वर लगता है उसकी जिंदगी में भी सच्चाई होती है, जो भी काम करता है ईमानदारी से, कहते हैं। और कहते हैं कि सच्चा स्वर होता है वो प्रभु के दर्शन देता है। तो जब आपका स्वर लगता है तो बड़ी ईमानदारी से दिल को छूता है, क्योंकि आपके गाने के अंदर सच्चा सुर तो है ही, एहसास भी है। क्योंकि म्यूजिक जो है वो किसी को तभी पसंद आएगा या अच्छा लगेगा जब सुर तो हो, ताल तो हो, लेकिन अगर फीलिंग्स नहीं है तो वो किसी के भी दिल पे असर नहीं करेगा, दिमाग पे असर नहीं करेगा। तो मेहता साहब का यही है। आपका एक म्यूजिक लवर्स क्लब उदयपुर में आपने बनाया, करीब 20 साल हुए, अभी बराबर काम कर रहा है, लगातार चल रहा है वो आपकी दुआओं से। और जब कभी आप उदयपुर आते हैं तो वो उसमें आपका प्रोग्राम होता है। तो बस मैं इसी बात पे अपनी बात कहूंगा खत्म, क्योंकि मुझे बताया था कि वक्त शायद पूरे प्रोग्राम का पौन घंटा ही है, लेकिन शायद ये डेढ़ घंटे सवा घंटे से ऊपर काफी ऊपर चला गया। ये इनकी पॉपुलैरिटी का प्रतीक है। और भंडारी साहब मैं आपको बताऊं कि जो मेजर हिस्सा था जो हमने सर के गाने के लिए सुरक्षित रखा था वो भी अभी बाकी है, ऐसी बात नहीं है। वो ये आज शाम अभी बाकी, अभी खत्म नहीं हुई। और आपने तो जो बताया कि इशारे के साथ जी इसे गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि शेर और उसमें ये रवानी हो, गीत फिर आपकी जबानी हो, ये महक ये मिठास ये ठंडक, आपकी आवाज जो कोरे घड़े का पानी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो आपने जो कहा कि सांचा ही बदल गया, तो विश्वास मेहता जी ने वाकई में उस सांचे को बदल दिया। और हमने जो अपने कहने के लिए जो रिजर्व रखा था उसको भी आपने कह दिया इन्हीं शब्दों में, क्योंकि मेरी जो मेहता साहब के साथ में जो बहुत कम लफ्ज बात करने की कोशिश करते हैं जी, क्योंकि बहुत से ज्यादा कहना अच्छा उचित नहीं लगता, इसलिए कम लफ्जों में अपनी बात मैंने जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये मुकेश तक सीमित ना रखा जाए, क्योंकि सर के साथ मेरा भी बहुत पुराना साथ रहा है और मैंने उनके अंदर जो वर्सेटाइल सिंगर के सारे जितने भी गाने सुने एक से एक बढ़कर, और वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाली जो है उनके अंदर काबिलियत। और प्लस आपने कहा जो सही कि एकदम भावना जो दिल से निकलती है वो वाकई में आदमी के उसका हृदय का एक आईना होता है। जो अच्छा गाना गाता है या म्यूजिक लवर है उसको वो भावना जो दिल के अंदर होता है वही बाहर आता है। कहते हैं जो हांडी में होता है वही चम्मच में आता है, जो दिल में होता है वही बाहर आता है। तो जो सच्चा स्वर है वो सच्चाई बाहर आता है। समय समय की जो सीमा है वो वैसे पार कर चुके हैं। तो डॉक्टर राज मेहता जी से गुजारिश करूंगी हम सब की तरफ से कि चलते चलते एक संगीतमय सुर तो सजना ही चाहिए। सब लोग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया है, जैसे तुझको बनाया गया है। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, जमीन पर
मैंने जो वर्ड यूज किया था मंत्र मुग्ध कर दिया सर आपने एकदम दिल जीत लेना पुराना हो गया है एकदम जी बिल्कुल आपके लिए तो इसी फिल्म की कुछ जो पंक्तियां हैं साहिर साहब की लिखी हुई वो कहना चाहूंगी कि मैं हर एक पल का शायर हूँ हर एक पल मेरी कहानी है और हर एक पल मेरी हस्ती है हर एक पल मेरी जवानी है तो आप तो हर क्षेत्र में ऑलराउंडर हैं तो युवाओं के लिए आप प्रेरणा हैं और जो पीढ़ियां चल रही हैं उनके लिए तो निसंदेह एक कहानी के रूप में आप हमारे समक्ष आ जाए हैं तो चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि पूरे देश विदेश में बसे राजस्थानियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे
सर आवाज नहीं आ रही, सॉरी. हियर मी नाउ? या या इट्स नाउ. हियर मी नाउ? या यस सर. मेरे से मैं कई बार पब्लिक फोरम से बोलता हूँ कि हर आदमी को खुशी चाहिए, और मगर सिर्फ खुशी नहीं मिलती, दुख भी मिलता है. और इसलिए मिलता है शायद कि अगर वो दुख ना जाने तो शायद सुखी की अनुभूति कैसे होगी, पहचानेंगे कैसे, उसकी वैल्यू कैसे होगी. तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक दिन की खुशी चाहिए तो आप पिकनिक पे चले जाइए, खुशी अच्छी खुशी एक अच्छा दिन बिता के लौट आइए. एक सप्ताह की खुशी चाहिए तो आप हिमालय में कहीं घुमाइए, नैनीताल, शिमला, मसूरी कहीं घुमाइए, एक सप्ताह तीन चार दिन अच्छी वादियों में घूमिए. एक महीने की खुशी चाहिए आपको तो विदेश यात्रा कराइए, आपकी जेब में अगर पैसे हो तो यूरोप वगैरह अमेरिका वगैरह घूम लीजिए. एक साल की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए, एक साल के बाद क्या होता है सबको पता ही है. अगर अगर आपको जिंदगी भर की खुशी चाहिए, जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो देना सीखिए, क्योंकि लेने लेना तो हर आदमी जानता है. अगर आप देना सीख गए तो उससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल से, और वो शाश्वत है, वो अनुभूति ऐसी है जो सिर्फ देने वाला ही जानता है. मुझे लगता है मैं इस सर्विस में सिर्फ इसलिए आया कि लोगों की सेवा कर सकूं, ना तो मैं सत्ता के लिए आया ना पैसे कमाने के लिए आया. और मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ऐसे बहुत सारे घंटों के ऐसे अनुभव हैं जो कि देने के बारे में है. लैंडलेस हाउसलेस मैन गिविंग लैंड टू थाउजेंड्स ऑफ लैंडलेस हाउसलेस पीपल, दिस इज व्हाट इन केरला आई हैव एक्सपीरियंस. वो किसी भी पैसे, किसी सत्ता से, किसी पावर से बड़ी है. कुछ एक दो आंसू जो उनकी आंखों से निकलते हैं वो जनता के दिए हुए मेडल्स हैं. हमारी सर्विस में कोई पद्म भूषण नहीं है, कोई पुलिस मेडल भी नहीं है, कोई पद्मश्री नहीं है, मगर जो ये अनुभूति हमें लोगों ने दी है वो शाश्वत आखिरी सांस तक रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है. और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं 3000 किलोमीटर दूर आया और यहाँ से बैठ के भी राजस्थान की सेवा कर पाया, ये एक मेरा सौभाग्य है, यही समझता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत बढ़िया बात कही सर आपने, एकदम सच्ची और एकदम दिल से कही हुई बात. एक सर गुजारिश है, प्रीति जी को थोड़ा सा बगल में ठीक से बैठाइए फोटो फ्रेम के लिए. और मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इतनी बातें और ऐसे ऐसे गाने जो है भाभी जी के सामने गाते कैसे हैं, इसकी भी मुझे आपसे जो है वो लेनी पड़ेगी कुछ टिप्स. दिस इज फॉर द फोटो फ्रेम. मैम बैठिए आप. ये मैं शादी से पहले भी इसको एक गाना सुनाया करता था, और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो गाना मेरे सर्विस के लिए भी मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि उस गाने के दो ही शब्द बोलता हूँ बिना बिना म्यूजिक के, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम बात कहेंगे. अगर ये बात मैंने प्रीति को सुनाई तो प्रीति तो खुश होगी ऑब्वियसली, हर ऑब्वियसली. और अगर आप यही बात अपने बॉस को बोलेंगे, अभी तो मेरे बॉस मुख्यमंत्री है, तो उनको अगर बोले तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे तो आपके करियर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और मैम मेहता साहब आपकी एक बात से सहमत नहीं हो कि शादी एक साल की खुशी देती है, मैडम नाराज हो जाएगी. मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बातें सर कर रहे हैं, तो मैंने कहा बगल में एक बार भाभी बैठा है, आपके दोस्त से भी आपको मिलवाता हूँ. बहुत दिन बाद होती है सर कि कैसे कही जाए बिंदास होके बात. और एक और बात है मेहता साहब, आपने कहा ना कि बॉस बोलते हैं married people, a man works better when they have two bosses, one at work and one at house, you know. लेकिन हम अपना ego इस तरह से satisfy कर सकते हैं लोगों को कहके कि भाई हमारे घर में the last word is with me, and that is yes ma'am. English में एक लोग को हम एक बात और भी बोलते थे कि I am the boss of this house as long as I have permission of my wife to say so. चलो बहुत अच्छा लगा, और इट वाज अ ग्रेट टाइम. आई थिंक वी एक्सीडेड आवर टाइम लिमिट, बट इट वाज स्पेशल मीटिंग ऑल. और बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने डॉक्टर प्रेम भंडारी को भी जोड़ा, राकेश सहाय को जोड़ा, और डॉक्टर राठौर से मुलाकात हुई, नरेंद्र जी से मुलाकात हुई, और धीरज जी आप और आपकी वाइफ को भी आज मैं देख रहा हूँ बहुत समय बाद. देख रहे हैं देश देश वो आपके पास अलग है. जी
तो चलते चलते हम सभी अपने सहयोगियों का आभार अभिव्यक्त करेंगे एक वीडियो के माध्यम से, उसके बाद हम अपने लाइव को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग थोड़ा थैंक्स टेक्निकल ग्लिच के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इस कार्यक्रम को हम यहीं पर हम विराम देते हैं। लाइव से हटकर हम 2 मिनट बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।